हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सही है। मैं दोस्तों, आज का जो भी वीडियो है, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आती होगी, उसके सॉल्यूशन को लेके है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट्स को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप अपना मोबाइल चेंज करते हैं, नया मोबाइल आप लेते हैं, या आपका मोबाइल आप फॉर्मेट करते हैं, या आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, इसके बाद जब आप दोबारा से अपने सिम को नए मोबाइल में डालते हैं तो क्या होता है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आमतौर पर आते रहती है। इसी का सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप वो तरीका यूज करेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो डिलीट नहीं होंगे या आप उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आज आए हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बना सकते हैं और उनको बाद में यूज कर सकते हैं जब आप अपना सिम कार्ड किसी दूसरे मोबाइल पर लगाते हैं, या आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, या आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, आपने नया मोबाइल परचेज किया है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप कैसे बनाएंगे। तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको गूगल पे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सेव कर लेने हैं। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने ओपन करना है सेटिंग्स। तो आप चले जाइए सेटिंग्स पे, यहाँ पे आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अकाउंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंक्रोनाइज का एक ऑप्शन, सिंक का। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे अकाउंट दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, फेसबुक, गूगल, मैसेंजर, तो ये सारे अकाउंट यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको गूगल का अकाउंट चाहिए, गूगल मतलब जीमेल का अकाउंट आपको चाहिए। अगर नहीं है, ऐड है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अकाउंट को। ऐड अगर आपने कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो मेरे अकाउंट हैं, तो जो पहला अकाउंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन, और इसमें अभी लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजिंग इज ऑफ। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है और ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे आपके जीमेल के अकाउंट पर सेव हो जाएंगे, और आप जब भी अपने सिम कार्ड को दूसरे मोबाइल पर डालेंगे या अपने आपने मोबाइल फॉर्मेट किया है, दोबारा आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ जाना है और यहाँ से इसको सिंक्रोनाइज कर लेना है। तो जैसे आप सिंक्रोनाइज करेंगे वैसे ही आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल पर वापस आ जाएंगे। तो ये तो था पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी आपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आप चले जाएंगे, इसके बाद आपने जाना है एप्लीकेशन पे। तो आप यहाँ से चले जाइए एप्लीकेशन पे, सिस्टम एप्लीकेशन, यहाँ से आपको ओपन करना है कॉन्टैक्ट्स। ये हमारा कॉन्टैक्ट्स जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, इसके बाद है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज एंड शेयर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर लेने हैं कॉन्टैक्ट अपने स्टोरेज में। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे एक्सपोर्ट टू स्टोरेज और इसको ओके कर लेंगे। तो क्या होगा, आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक फाइल में सेव हो जाएंगे जो VCF करके रहती है। तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके सारे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे कहाँ पे, तो आप यहाँ से बैक चले जाइए। क्या करना है, आपने चले जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने चले जाना है डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड्स पे देखना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है। अगर आपको फाइल नहीं मिलती है तो सिंपल आपने सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है VCF। तो जैसे आप VCF सर्च करेंगे तो ये देखिए फाइल आ चुकी है, ये फाइल हमने अभी सेव की थी। ये फाइल आप कहीं भी अपना मोबाइल चेंज करते हैं या अपना सिम कार्ड चेंज करते हैं तो इस फाइल को आप सेव करके रख लीजिए, और जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे दो तरीके अपने खोए हुए कॉन्टैक्ट्स को या डिलीट हो गए कॉन्टैक्ट्स को
रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए मेरे चैनल पर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।